नमस्कार, मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप से जुड़े हुए बहुत से सवालों के बारे में। मेरे कई पेशेंट्स हैं, उनके कई सवाल रहते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं मेंस्ट्रुअल कप या मासिक धर्म कप से जुड़े हुए। मैंने मेरी पिछली वीडियो में मेंस्ट्रुअल कप के बारे में डिटेल में आपको बताया है किस तरह से इसे यूज किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है और रिमूव किया जाता है, कैसे इसका आप चुनाव कर सकते हैं, इन सभी बातों में के बारे में डिटेल में मैंने बताया है। तो आप मेरी पिछली वीडियो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम इनसे जुड़े हुए कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सभी का रहता है, क्या मेंस्ट्रुअल कप सेफ है? तो हाँ, यह सेफ है, क्योंकि यह जिस मटीरियल से बना है, मेडिकली अप्रूव मटीरियल है, मेडिकली टेस्टेड मटीरियल है, सिलिकन, और काफी इनर्ट होता है। इनफैक्ट जो हमारे पैड्स होते हैं, टैम्पून्स होते हैं, उनमें कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, कई तरीके के आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंट मटेरियल यूज किए जाते हैं, ब्लीचिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, जबकि हमारा जो मेंस्ट्रुअल कप है वो एक इनर्ट मटेरियल है, तो बॉडी में जाकर वो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता। अब सवाल है कि यह किस एज से आप लोग शुरू कर सकते हैं। कई पेशेंट्स का सवाल रहता है कि कौन सी एज से हम मेंस्ट्रुअल कप शुरू करें, तो इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है, क्योंकि यह मल्टीपल साइजेस में आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो जिस भी एज में आप कंफर्टेबल हैं मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के लिए, उस एज से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। यह कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर इजिली अवेलेबल है? तो आजकल तो यह सभी फार्मेसी, ऑनलाइन स्टोर्स, सभी जगह बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। इसकी डिफरेंट साइजेस होती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो आप इसको ट्राई करते करते, शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है साइज को चूज करने में, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं। तो आप इनको यूज करके और आजमा कर अपना साइज चूज कर सकती हैं। शुरू शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत जरूर आएगी। तो क्या इसे पहनकर हम सो सकते हैं, ऐसा बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन है। तो जी हाँ, जिस तरह से आप इनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, 6 to 12 आवर्स तक आप इसे यूज कर सकती हैं। तो अगर आपका ब्लीडिंग ज्यादा है, जैसे सेकेंड डे, थर्ड डे ब्लीडिंग ज्यादा रहता है, तो आप इसे फ्रिक्वेंटली खाली करके यूज कर सकती हैं। तो इसमें सोने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सोने से कोई लीकिंग नहीं होती है इसमें। बस ये आपको ख्याल रखना है कि टाइमली आप इसे खाली कर लीजिए शुरू शुरू में। वैसे तो सभी मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि 12 आवर्स तक ये रिटेन करता है, फिर भी बिगिनिंग में आप 6 to 8 आवरली इसको खाली करके वापस री इंसर्ट कीजिए। बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन रहता है, क्या यह हमारी बॉडी में खो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा? तो नहीं, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वजाइना जो है एक ब्लाइंड कैनाल है, और इसके ऊपर सर्विक्स होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स की बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है, तो यह कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और अगर आप इनफैक्ट पुश भी करना चाहेंगे तो भी यह आपकी बॉडी में खोएगा नहीं, कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा। क्या यह हमारी बॉडी में अटक सकता है, ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन है, पर नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप वर्क करता है सक्शन के ऊपर। सक्शन की वजह से यह वजाइना में इंटैक्ट रहता है। तो अगर यह स्टक हो भी जाता है तो आपको काम रहना है, क्योंकि अगर निकालने में शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, आप आराम से रिलैक्स कीजिए, प्रॉपरली इसको पिंच कीजिए, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इसे किस तरह से निकाला जाता है। तो स्टेम के थ्रू आप बेस तक जाइए, अच्छे से पिंच कीजिए, थोड़ा सा रोटेट कीजिए और यह अपने आप ही बाहर आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं का क्वेश्चन है, क्या IUCD या कॉपर टी, जैसे कहते हैं मिरेना, मल्टीलोन, कई प्रकार के होते हैं, IUCD यानी के इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि यह एक गर्भ निरोधक तरीका है, तो क्या यह उसके साथ इंटरफेयर करती है? क्या यह कप अपने साथ कॉपर टी को भी खींच कर ले आएगी, क्या वो डिस्प्लेस कर देगी? तो नहीं, क्योंकि कॉपर टी ऊपर यूट्रस के अंदर रहती है, सर्विक्स के अंदर रहती है,
और यह हमारा वजाइना में रहता है मेंस्ट्रुअल कप, तो और सक्शन इतना फोर्स नहीं है कि वह कॉपर्टी को अपने साथ खींचकर नीचे ले आए। कॉपर्टी तभी रिलीज हो सकती है, निकल सकती है जब आप उसके थ्रेड्स को पुल करें। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या यह हाइमन टियर करती है। तो हाइमन टियर, सबसे पहले इसके लिए जरूरी है समझना हाइमन होती क्या है। हाइमन एक थिन फ्लिमजी कवरिंग होती है वजाइना ओपनिंग की। तो कई बार यह थिन होती है, कई बार थिक होती है, किसी पेशेंट्स में तो यह जन्मजात ही नहीं होती है। तो वर्जिनिटी का सिंबल या वर्जिनिटी आप हाइमन के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हाइमन कई बार हॉर्स राइडिंग और इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान भी टियर हो सकती है। पर अगर इसे सावधानी से यूज किया जाए मेंस्ट्रुअल कप को, तो हाइमन टियर होने के चांसेस कम है, लेकिन शून्य नहीं है। इसको इस्तेमाल करने से हाइमन रप्चर हो सकती है। तो अगर आप इसके लिए ज्यादा वरीड हैं, तो आप इस विषय पर जरूर सोचें, क्योंकि यह 100% चांसेस नहीं है कि यह हाइमन को टियर नहीं करेगी। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या यह टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करती है। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है एक रेयर इन्फेक्शन जो कि बॉडी में पूरी तरह से ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फैल जाता है। या कब होता है? जब टैम्पून फोगॉट हो जाए बॉडी में, या कई दिनों तक आप टैम्पून्स को रखकर भूल जाएं, तो ब्लड जो है टैम्पून के अंदर वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन यह बहुत ही रेयर है और यह मेंस्ट्रुअल कप के साथ नहीं होता, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप सिर्फ ब्लड कलेक्ट करता है, यह अब्सॉर्ब नहीं करता। और एक सक्शन फोर्स होता है जिसके कारण इसका एयर से कॉन्टैक्ट बहुत ही कम होता है, इनफैक्ट नहीं होता है। एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहरी एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती और इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। और वैसे भी आप टाइमली इसे खाली कर लेती हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई मेंस्ट्रुअल कप को बॉडी के अंदर रखकर भूल जाए, ऐसा होना इनफैक्ट नामुमकिन जैसा ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या इसके साथ हम पी कर सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं, क्या यह नीचे उतर आएगा। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि यूरिन निकलता है यूरेथ्रा से, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन का रास्ता है, और मेंस्ट्रुअल कप जो रहता है वह वजाइना के अंदर इंसर्टेड रहता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जो बॉवल का जो रास्ता है एनिस वो भी अलग होता है। तो कभी भी यूरिन करने के लिए आप उसको निकालने की जरूरत नहीं है, मोशन पास करने के लिए इसे निकालने की जरूरत नहीं है, और मोशन और यूरिन के साथ साथ यह नीचे नहीं आता है, क्योंकि यह सक्शन फोर्स के द्वारा वजाइना में अटैच रहता है। इसके अलावा क्या इसके अंदर जो कलेक्टेड ब्लड है वो वापस क्या यूट्रस में चला जाएगा, उससे क्या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक पेनफुल कंडीशन है, एक डिजीज है जिसके अंदर एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस का जो टिश्यू होता है वह दूसरी जगह फैल जाता है। तो इस तरह से ये एक पेनफुल कंडीशन है, लेकिन क्या मेंस्ट्रुअल कप से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? पर नहीं, मेंस्ट्रुअल कप के अंदर जो ब्लड कलेक्टिव रहता है वह यूट्रस में नहीं जाता है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि यह यूट्रस के अंदर चला जाए और एंडोमेट्रियोसिस कर सके। कई लोगों का यह डाउट रहता है कि इसके अंदर जो कलेक्टेड ब्लड है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, पर नहीं, कैंसर के चांसेस नहीं होते। कभी भी कोई कैंसर कलेक्टेड ब्लड की वजह से नहीं होता है, और ना ही मेंस्ट्रुअल कप के अंदर जो ब्लड रहता है वो बहुत टाइम तक रहता है, क्योंकि आप उसे रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली चेंज करती ही है। कई लोगों का प्रश्न है किस तरह से इसका साइज का चुनाव किया जाए। तो जैसा मैंने पहले ही बताया है, आप ट्राई करेंगी डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट साइजेस, और उसके बाद आप एक स्पेसिफिक साइज को चूज कर पाएंगी। इसके अलावा कई लोगों का यह क्वेश्चन होता है क्या इससे अंदर हर्ट होता है, क्या यह कंफर्टेबल है। तो जी हाँ, जरूर मेंस्ट्रुअल कप अगर प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है तो आप इसे फील ही नहीं कर पाएंगी,
इनफैक्ट आप भूल जाएंगे कि आपको पीरियड्स हो रहा है, ना ही इनमें कोई सेरेशंस होते हैं या अनइवन सरफेस होती है जिससे आपको हर्ट हो या तकलीफ हो, तो ये कंफर्टेबल होता है। कई लोगों का प्रश्न है क्या इसके साथ स्विमिंग किया जा सकता है, डांसिंग किया जा सकता है, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, इसको पहनकर आप स्विमिंग, डांसिंग, योगा, एक्सरसाइज जब तक आप कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कई लोगों का यह सवाल होता है कि यह कितने टाइम ड्यूरेशन पे चेंज करना होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं उस हिसाब से यह 10 साल तक जो रीयूजेबल कप है वो 10 साल तक आप यूज कर सकते हैं। तो इसका आपको पता चलेगा अगर इसका सक्शन फोर्स आपका कम हो जाता है, प्रॉपरली प्लेस नहीं होता, इसके जो रिम है, सर्फेसिस है वो स्मूथ नहीं रहती, तो उस कंडीशन में आप इसे चेंज कर सकते हैं। पर एज पर ब्रांड्स यह कहते हैं कि 8 से 10 साल तक यह चल जाएगा। इसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन है क्या इसे यूज करने के बाद इंटरकोर्स किया जा सकता है। तो इंटरकोर्स कर सकते हैं लेकिन फिर भी डिसलॉज होने का चांसेस है, सक्शन ब्रेक होने का चांसेस है एंड पूरा मैसी होने का चांसेस है। तो मेरे एडवाइस तो यही है कि इसे अवॉइड ही करें। और उसके बाद सभी का क्वेश्चन है कि आपका क्या रिजल्ट है, आप क्या इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक पर्सनल चॉइस है, फिर भी उसके बाद भी मेंस्ट्रुअल कप इको फ्रेंडली है, पर्सन फ्रेंडली है और इनफैक्ट पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो आप इसे ट्राई करें, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन धीरे धीरे ट्राई करने के बाद आप पुराने अपने सैनिटरी पैड्स को यूज करना नहीं चाहेंगी। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ ही सकती है, कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले प्रॉब्लम आती ही है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटल एक्सेप्टेंस मेंस्ट्रुअल कप के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का उत्तर आज दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं और मैं उनका उत्तर भी देने का जरूर प्रयास करूंगी। फिर से एक नई वीडियो लेकर आऊंगी, एक इन्फॉर्मेटिव गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।